So guys, welcome back. So basically, this video is regarding how to use your GoPro in the monsoon season. Rain season में कैसे use कर सकते हैं आप इसको. तो guys, मैंने ये जो trip plan किया था, गोवा का trip plan. तो उसके plan करने के बाद मैं सबसे बड़ा tension में ये था कि मैं GoPro कैसे use करूँगा. And इसके लिए मैंने काफ़ी videos देखे, काफ़ी मतलब around 3-4 घंटा तो मैंने videos ही देख दिया. एक दिन पूरा videos में ही लगा दिया मैंने. तो वो देखने के बाद मुझे काफ़ी ऑप्शंस पता चले. एंड इनफैक्ट सबसे ज़्यादा एक वीडियो बनाया गया था जिसमें कि जो अपना वाटर केस होता है, वाटर केस के अंदर से ड्रिल करके आप कर सकते हैं, तो वो भी अच्छा है. बट उस केस में मैंने देखा था कि मैंने एक बार वाटर केस यूज़ किया था विदाउट ड्रिलिंग, जस्ट मैंने देखा था उसमें विजिबिलिटी इतनी अच्छी आ रही रहती थी. तो वो बट मैंने उसके लिए भी मैंने दो वाटर केस ले लिया था ताकि एक चीज़ मैं समुद्र में यूज़ कर सकूँ जब मैं नहा रहा हूँगा तो यूज़ कर सकूँ, एंड दूसरा मैं जब मोटर ब्लॉगिंग कर सकूँ जिसमें मैं ड्रिल करने वाला था. तो वो करने वाला था मैं, बट वो मैंने फाइनली किया नहीं. मुझे एक और सॉल्यूशन मिला, मैंने ट्राई किया. वो सॉल्यूशन क्या था कि मैंने एक ओरांजी का जो केस आता है, जो केस ऐसा होता है, ये केस, इसमें मैंने सेटअप किया. ठीक है, तो सेटअप कैसे किया मैं बहुत इजी तरीके से सेटअप किया, मैंने आपको बताता हूँ आपको. और बिल्ली में गए, ये मेरे पूरे मानसून में मैं यहाँ पर, यहाँ से मैं बॉम्बे से मैं गोवा आया, साउथ गोवा आया. साउथ गोवा में मैंने कोलवा बीच में स्टे किया था, एंड कोलवा बीच तक तो इतना बारिश नहीं हुआ था, बट कोलवा बीच से जब मैं पैरानम की तरफ गया था तो इतना बारिश हुआ था कि क्या बोलूँ. तो मुझे टेंशन आ गया था कि ये जो मैंने जो सेटअप किया वो प्रॉपर यूज़ होगा कि नहीं, वो प्रॉपर वर्क करेगा कि नहीं करा. बट बिलीव मी गाइस, इतना अच्छा से वर्क किया उन्होंने कि मैं खुश हो गया. ठीक है, देन दूसरा चीज़ क्या हुआ कि जब मैंने पैरानम से मैंने कर्नाटका का मुर्देश्वर टेम्पल का मैंने प्लान किया था, तो उस टाइम पे भी मैं जब जा रहा था तो उसमें तो बहुत सबसे ज़्यादा बारिश हुआ, तो तब भी तो मुझे बहुत टेंशन आ रहा था. मैं बीच बीच में उसको ऐसे कवर करके भी चल रहा था GoPro के, कहीं पानी थोड़ा थोड़ा कम हो जाए मेरे. तो बट वहाँ पर भी बहुत अच्छे से परफॉर्म किया उसने और कुछ भी नहीं हुआ, बिलीव मी गाइस कुछ नहीं हुआ. तो मुझे इस पर पूरा अभी ट्रस्ट हो गया है. तो आपको बताता हूँ, टाइम ना वेस्ट करते हुए बताता हूँ कि कैसे मैंने ये सेटअप किया. सो गाइस, सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए वो बताता हूँ मैं आपको. आपका हेलमेट तो रहेगा, आपका ये जे माउंट रहेगा, आपका माउंट लगा रहेगा आपका, एंड ये ओरांजी का जो कवर आता है इसमें अडैप्टर फिट रहता है, नीचे अडैप्टर है मेरा, तो वो एक चाहिए आपको. ओके, देन ऑफ कोर्स GoPro तो आपको चाहिए होगा. ओके, तो मेरा हीरो 6 है मेरा. देन उसके बाद आपको जो चीज़ चाहिए होगा दैट इज ये क्ले. तो जो बच्चे लोग का खेलने वाला क्ले होता है मैंने वो यूज़ किया, एंड उसके साथ ही आपको चाहिए होगा किधर के मेरा सेलो टेप. ओके, एंड अ सीजर. तो बिलीव मी गाइस, इतने से आपका काम हो जाएगा. तो मैंने क्या किया बेसिकली, पहले तो आपको सबसे पहले ये मैंने ऑलरेडी सेटअप किया है तो मैं आपको पूरा बताऊंगा नहीं, आपको आइडिया दे दूंगा, आपको आइडिया से पता चल जाएगा. पहले तो आप GoPro डाल दीजिए अंदर. ओके, डाल के आप इसको जो इसका पीछे कवर है उसको आराम से फिट कर दीजिए. तो मैंने कवर फिट कर दिया पूरा इसका. तो जो नॉर्मल आपका जो सेटअप होता है GoPro का वही कर दीजिए आप पहले से ओरंजी के साथ, एंड आपका अडेप्टर लगा हुआ है यहाँ पर नीचे. अडेप्टर के साथ आपका माइक फिट है मेरा, एंड मेरा मैंने केबल हाँ एक फिट करके रखा हुआ ताकि मेरे को बार बार निकालना ना पड़े, एंड इसको मैंने रैप करके रखा था. जब भी अगर मेरा चार्ज करना होता तो मैं इसी से, यही जो टाइप सी का केबल है वो मैं अपना या फिर डेटा केबल में लगा देता हूँ, पावर बैंक में लगा देता हूँ, या फिर चार्जर में लगा देता हूँ. तो ये मैं फिक्स करके रखा हुआ है. दूसरा जो चीज करना है कि आपको जो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट जो है यहाँ पर इधर जो है यहाँ पर आप अडेप्टर लगाते हैं, वहां पर आप नॉर्मल अडेप्टर लगा दीजिए जैसे आप लगाते हैं नॉर्मली. तो जैसा नॉर्मली आपका अडेप्टर फिट करना है वैसा आप फिट कर दीजिए. ठीक है, तो ये नॉर्मल सेटअप आपका हो गया जो आप GoPro के लिए यूज करते हैं. देन उसके बाद क्या करना है, आपको लेना है क्ले. तो कोई भी क्ले लीजिए, मैंने लिया है ब्लैक वाला क्ले लिया है. उसको अच्छे से आप थोड़ा सा ऐसे रेक्टेंगल शेप में लगा लीजिए, कोई भी शेप ले लीजिए. बेसिकली इसका है आपको GoPro बेसिकली वाटर प्रूफ है, तो खाली जाने का पानी जाने का चांस कहाँ पर होता है, जहां पर अडेप्टर लगाया होता है. ओके,
क्योंकि इसमें आपका जो जो ओरिजिनल कवर होता है वो निकालना पड़ता है आपको, यहाँ पर जो बैटरी नहीं, जो एडेप्टर के ऊपर जो कवर होता है वो निकालना पड़ता है। अगर आप उसके बिना यूज करेंगे तो आराम से आपका एडेप्टर निकाल के, अगर आप वो कवर डाल के यूज करेंगे तो ये वाटर प्रूफ आराम से यूज कर सकते हैं इसको पानी के अंदर। बट आपको पता है कि माइक के लिए तो एडेप्टर लगाना ही पड़ता है, तो एडेप्टर लगा देते तो वो कवर निकल जाता है, तो ये गैप पूरा हो जाता है। तो ये गैप फिल करने के लिए ये आपको फिल करना पड़ेगा, तो ये गैप आप फिल कर सकते हैं इस क्ले से। तो मैं क्या करूंगा इसको कि मैं यहां पर ये क्ले जो ये जो गैप दिख रहा है, ये जो एरेट्रा गैप दिख रहा है यहां पर, ये वाला गैप, तो इसको मैं क्ले से मैं पूरा भर दूंगा, पूरा भरूंगा मतलब ऊपर ऊपर लगा दूंगा। तो क्ले में वाटर रेसिस्टेंट रहता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं कैसे लगा रहा हूँ आप देख लीजिए इसको, थोड़ा सा नीचे करता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर आप ऐसे फिट कर लीजिए क्ले को, पहले ऊपर से, साइड से या नीचे से, कैसे भी। देखो मैंने चारों तरफ से कवर कर दिया इसका सर। ओके तो कुछ ऐसा चिपका दीजिए आप, फिर आप देखेंगे। तो मैंने क्या किया है, बेसिकली पूरा क्ले से चिपका दिया चारों तरफ। तो ये मैंने क्ले चिपका दिया एडाप्टर को, एंड सेम वे आपको यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर जो एडाप्टर है, सॉरी जो माइक और जो आपका डेटा केबल का जो है उसमें भी आपको पूरा टेप चिपका, सॉरी क्ले चिपका देना है। मैंने पूरा क्ले चिपका दिया है एंड उसको टेप चिपका दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं टेप चिपका दूंगा। तो अभी क्या करना है, आपको यहाँ पर टेप लेना है, कोई भी बड़ा टेप ले लीजिए, या फिर मेरे पास ये टेप था ये ले लिया, आपके पास ब्लैक टेप है तो ब्लैक, जो भी टेप आपको लेना है तो ले लीजिए, कोई स्पेशल टेप की जरूरत नहीं, आप नॉर्मल टेप ले लीजिए जो थोड़ा अच्छे से चिपक सकता आपको। तो मैंने ये टेप ले लिया है एंड मैं इसके ऊपर चिपका दूंगा टू गिव द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द क्ले। तो जितना प्रोटेक्शन आप देना चाहते हो उतना दे दीजिए। तो यहां पर मैं चिपका दूंगा, तो ये मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ था उसके ऊपर ही मैं चिपका दूंगा। एंड इसको थोड़ा ऊपर से चिपकाइए एंड मेक श्योर कि इसका जो ये वाला जो जो पार्ट है, ये पार्ट कैमरे के ऊपर ना आए, बिकॉज एक बार मैंने गलती से वो कैमरे के ऊपर आ गया था तो वो पूरा रिकॉर्डिंग हो गया। तो यहां पर आप रोल कर लीजिए इसको, और जितना आपको लगता है कि आपको जरूरत है उतना लगा दीजिए टेप, चाहे तो इसके ऊपर एक और लेयर लगा दीजिए टेप का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखने में थोड़ा गंदा लगता है बट बिलीव में काम हो जाएगा आपका, तो ऐसा कुछ लगेगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो ये अच्छे से, मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ, चालू करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने देखो आवाज आ गया एंड चालू हो गया, ये कैमरा चालू हो गया। एंड ये चीज आप चाहे तो पावर केबल से चिपका दीजिए, चाहे तो लगा दीजिए, या फिर आपका जो भी कहीं पर भी आपको चार्जर मिलता है वहां पर चार्जर लगा दीजिए। तो ये प्रॉपरली चल रहा है और वर्क कर रहा है बिल्ली में। गाइस मैंने फुल हैवी रेन में 80 की स्पीड में इसको यूज किया है, और हालांकि इसका ब्लॉग अभी आया नहीं है, आ जाएगा एक दो हफ्ते के बाद जरूर आ जाएगा, क्योंकि मैं अभी जस्ट ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छे से ये चल रहा है, अभी यहाँ पर ये अच्छे से चिपक नहीं रहा। तो मैं क्या करूंगा कि थोड़ा सा और टेप अच्छे से चिपका दूंगा डबल टेप करके। और अगर आपको कभी कभी क्या होता है, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है गोप्रो में, कि ये गोप्रो कभी कभी क्या बोलते हैं उसको, हैंग हो जाता है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है गोप्रो के साथ, वो सब फेस करते ही है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है आपको, या फिर कभी आपको हाँ या फिर कभी आपको कॉपी करना पड़ता है डेटा, तो उस केस में क्या करना है आपको, जस्ट यहाँ से उसको क्ले थोड़ा सा हटाइए एंड उसको पुल करिए तो निकल जाएगा आपको। और क्ले क्या आप रीयूज कर सकते हैं, तो आपका यहाँ से फिर कैमरा निकालिए एंड उसको फिर जो भी बैटरी निकाल के दोबारा लगा दीजिए, तो आपका वो हैंगिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड दोबारा से ये पैसा फिट कर दीजिए, और ये जो टेप है ये टेप को अच्छे से निकालिए ताकि दोबारा से आप उसको फिट कर सकते हैं। और अगर टाइम है तो दोबारा से एक और लेयर उसके ऊपर लगा दीजिए। इतना प्रॉब्लम होगा खाली, वो तभी होगा जब गोप्रो हैंग होता है, ठीक है। तो उस वो चीज आपको करना पड़ेगा, तो ये आपका पूरा सेटअप हो जाएगा। ओके
तो सिमिलरली आप यहाँ पर ये साइड में भी कर लीजिए जहां पर आपका माइक है, आपका केबल है। एंड मैंने क्या किया एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, मैंने क्या किया ऊपर पावर बैंक के जो पावर का बटन है ऊपर का, जो पावर का नहीं सॉरी है क्या बोलते हैं उसको, साइड में जो पावर का बटन है उसको भी मैंने कवर कर दिया। एंड यहाँ पर मैंने एक येलो कलर का स्ट्रिप डाल दिया ताकि मेरे को देख के पता चले। ठीक है, एक और रीजन इसका डालने का यहाँ पर इसके ऊपर क्योंकि अगर मैं इसको पुश करूंगा, टेप लगा उसको पुश करूंगा तो वो क्या आपका जो बटन है GoPro का जो बटन है उसमें आपको टच करेगा तो वो पूरा वो क्या चिपकने जैसा हो जाएगा वो, तो वो मैं स्टिकी हो जाएगा, तो वो नहीं चाहिए था। तो मैंने क्या किया कि टेप में ही मैंने एक पेपर चिपका दिया, कार्डबोर्ड जैसा चिपका दिया थोड़ा सा, और वो मैंने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर कलर भी दिख रहा है, तो ये पता चला ये मेरा पावर बटन है, तो इससे क्या होगा आपका स्टिकी नहीं होगा। मैंने ऊपर भी यहाँ पर ये येलो कलर का टेप चिपका दिया है, मतलब टेप चिपकाया उसके अंदर येलो कलर का एक कार्डबोर्ड जैसा चिपका दिया है, तो वो क्या मेरे को प्रेस करने में इजी होता है एंड वो चिपकेगा नहीं, स्टिकी नहीं होगा उसका। तो यही सेटअप है, आप इसको और भी टेप लगा दीजिए जितना आप लगाना चाहते हैं टू मेक इट मोर सिक्योर। तो ये मेरा तो अच्छे से काम कर रहा है, होपफुली दिस विल वर्क फॉर यू ऑल्सो। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ये जो सेटअप है वो आपके लिए काम यूजफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज कीप स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। तो अभी गोवा का वीडियो आने वाला है, ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू बाय।